हेलो भाइयों, ये हमारी कायगर गाड़ी है। इसमें आज वही वाली गाड़ी, इसका स्टीयरिंग लॉक प्रॉब्लम कर रहा था, इसमें अब वाइपर नहीं चल रहा। ठीक है, आज का हम आपको दिखाते हैं, स्कैन करके इसमें पता चल जाता है कि वाइपर में क्या प्रॉब्लम आती है। और इसका हॉर्न भी नहीं बज रहा, पहले बज रहा था। बाकी इसमें बेल्ट की, सीट बेल्ट की लाइट भी नहीं आ पा रही स्टार्टिंग पे। तो बताती है ना सीट बेल्ट लगाओ, ये देखो आई नहीं। ठीक है, मैं स्कैन करूँगा गाड़ी को। स्कैन करने के बाद बताता हूँ आपको क्या फॉल्ट है। वैसे तो फॉल्ट मुझे मिल गया, एक बार मैं वीडियो बनाना चाह रहा कि वीडियो में अच्छे से पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है। ये पलट गई थी गाड़ी, डेंट पेंट वगैरह हुई, तो उसमें प्रॉब्लम बताते हैं आपको कहाँ गई थी। ठीक है, रेनॉल्ट में ऑटोमेटिक कर लेता हूँ क्या, ड्राइवर और कायगर एक ही है। मैनुअल सिलेक्शन, UCH, रिट्रेवल, देखो क्या बताया इसने, रियर स्किन वाइपर सर्किट। ये बता रहा है सर्किट, यानी कि सर्किट में आ जाता है तुम्हारा, सर्किट में तार कटा हुआ या सर्किट निकला हुआ, सर्किट कनेक्शन ना मिलना। ठीक है सर, ठीक, ये आपको मैं बताता हूँ। मैंने फॉल्ट ढूंढ लिया है, वैसे मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वाइपर है, वाइपर का ये वायरिंग है, वायरिंग इसका ऐसे गया है नीचे, मैंने चेक किया था, ये नीचे यहाँ से वायरिंग आया था और मैंने निकाल रखा है। देखो इन्होंने डेंट पेंट करते हुए इसकी वायरिंग सायरिंग सारी कतले आम कर रखी है, देखो किस तरह पड़ा, बल्कि चूहे भी घुसे ही इसमें, कुछ कटी है कुछ चूहों ने काट दी। ठीक है सर, ये दिखाना था कि वाइपर काम कर रहा या नहीं कर रहा, अब चलेगा वाइपर इसको सेट करके। ठीक है जी भाई, कर दिया है, अब आपको स्कैन करके दिखाते हैं। देखो मेमोरी में चला गया वो, ठीक है, अब गाड़ी नॉर्मल है। ठीक है सर, और वाइपर भी आपको दिखा देता हूँ, असेंबली में मैंने खोल ली थी कनेक्शन चेक करने के लिए, बाकी सब ठीक था। एक बार ये वाइपर दिखाओ, काम सक्सेस।